बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ मैं हूं फैजान भट्ट। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में इख्तियारात की जो जंग है वो हमें दिखाई दे रही है। दो साल के अंदर एक हुकूमत ने 5 आईजीज को तब्दील कर दिया। ये आवाम के लिए फ़ायदा मंद है या सिर्फ इख्तियारात की जंग है, इस पर भी बात करेंगे। और एज एन मुस्लिम पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर हम अपने आप को मनवाते तो ज़रूर हैं और अपना इस्लाम भी आगे लेकर आते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के अनासिर हैं कि जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और मुसलमान होने पर एक धब्बा है उनके ऊपर। जिस तरह अगर हम कल मोटरवे की बात करेंगे, मोटरवे के ऊपर एक खातून के साथ 3 बच्चे उसके साथ थे, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई और जिस तरह ही उसने गाड़ी अपनी साइड पे लगाई तो कुछ लड़के इस तरह के आगे कि उन्होंने उनको उठाया, लड़की को गाड़ी से निकाला और कोशिश की ज्यादती करने की। तो इस पर हमारी एजेंसियां, हमारे पुलिस का जो इदारा है पुलिस का, वो काम तो करता दिखाई दे रहा है, लेकिन एज ए मुस्लिम जो हमारी जिम्मेदारी है, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। कराची में भी 6 साल की बच्ची के साथ इसी तरह के वाकया, और अब कुछ देर पहले मेरे हमारे एक रिपोर्टर, उन्होंने भी बताया कि पिशावर वाली साइड पर भी इस तरह का एक वाकया जो है वो रोनुमा हुआ। इसके बाद अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो नवाज शरीफ साहब अदालत की जानिब से काफ़ी पाबंदियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका जो एक केस है उस पर जेर बहस है, और लाहौर हाई कोर्ट में भी उनका एक केस है, वो जेर बहस है। अब क्या नवाज शरीफ की अलहदा पार्टी और शहबाज शरीफ की अलहदा पार्टी होगी, क्योंकि सियासी जो हालात हैं वो काफ़ी हमें गर्म दिखाई देते हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले मैं टाइम बचा के, टाइम ज़ाया किए बगैर, मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ सीनियर तज़ियाकार सहाफ़त में एक नाम जिनका है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब फैसल शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ साथ सीनियर नज़र रखने वाले, हुकूमत के ऊपर, पुलिस के ऊपर, मीडिया के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर नज़र रखने वाले सीनियर जो बंदे हैं, ताहिर आलम खान, एक्स आईजी पंजाब, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो बात जो स्टार्ट करना है, हम ताहिर आलम खान साहब से स्टार्ट करते हैं। खान साहब, आप जो ये आईजी तब्दील हो रहे हैं, क्या हमारे पास इतने आईजीज हैं कि जिस स्पीड में पाकिस्तान तरीके इंसाफ आईजीज को तब्दील कर रही है, तो क्या आईजीज हमारे पास इतने हैं कि हम उनको ये 5 साल पूरे कर सकेंगे, नए से नए आईजी लगा सकेंगे? खैर, आईजी तो हमारे पास काफी है, क्योंकि एडिशनल आईजी को भी आईजी ही कहा जाता है और एडिशनल आईजी को ही आईजी पोस्ट किया जाता है जी, तो उनकी तादाद में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन इस तरह से बार बार जो तब्दील किया जाता है आईजी को, आईजी अभी अपनी कमांड को समझ नहीं पाता, अपने अफसरों से वाकिफ नहीं हो पाता, उस सूबे के मसाइल से वाकिफ नहीं हो पाता जो वो तब्दील कर दिया जाता है। मौजूदा आईजी जो अभी जो आईजी तब्दील किए गए शेख दस्तगीर साहब, उनको भी कोई 8 माह बाद तब्दील कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने बाकायदा अपने जजमेंट में, रीता तो आपका केस है, ये फैसला दिया है कि आईजी या बल्कि दूसरे ऑफिसर्स की तैनाती का पीरियड मुकर्रर किया है, 3 साल का पीरियड है, उससे पहले आईजी को तब्दील ना किया जाए जी। लेकिन हम देखते हैं कि पंजाब में ना सिर्फ आईजी बल्कि मुस्लिम महकमों के सेक्रेटरीज, डीपीओ, डीसी, कमिश्नर बार बार तब्दील हो रहे हैं, बार बार तब्दील हो रहे हैं। ये आईजी साहब तो फिर अभी कुछ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन आपको याद होगा जब शेख दस्तगीर साहब की बतौर आईजी तैनाती हुई थी तो उनके साथ चीफ सेक्रेटरी आदम सुलेमान साहब भी तैनात हुए थे। इन दोनों अफसरों को इमरान खान साहब ने, वजीर आजम साहब ने स्पेशली इंटरव्यू करके कहा था कि आप मुकम्मल आजाद होंगे, आपके काम में कोई मुदाखलत नहीं होगी, बस आप परफॉर्मेंस अपनी शो करें और पुलिस को बेहतर करें और हुकूमत निजाम को बेहतर करें, तो ये गारंटी लेकर फिर ये तैनात हुए थे। लेकिन हम देखते हैं कि आजम सुलेमान साहब को 2-3 माह बाद ही तब्दील कर दिया और इनको अब आके तब्दील किया है जी। तो मेरा ख्याल है कि ये, और फिर इनका जो तबादला हुआ है जी, उसमें इन्होंने अपने जूनियर के मुतालिक कंप्लेन की जी, बिल्कुल सही कह, जूनियर ने एमएससी साहब ने उनके मुतालिक नाजिर को कलमात बोले जी। अब होना तो ये चाहिए था कि इनकी कंप्लेंट पर इंक्वायरी की जाती जी,
इवन कोई एडिशनल आईजी इंक्वायरी कर सकता था, या अगर उससे भी करवानी थी जी तो कोई डीएमजी का अफसर इंक्वायरी कर सकता था। जी तो बजाय इसके कि इंक्वायरी होती तो पता चलाया जाता कि आईजी की जो बात है, वो इल्जाम है, वो कहाँ तक दुरुस्त है, बगैर किसी इंक्वायरी के उनको तब्दील कर दिया गया और एक गलत मिसाल कायम कर दी गई। अब जूनियर अफसर जो है, जो सीनियर अफसर है, वो जूनियर से डरेंगे कि मेरा जूनियर इतना ताकतवर है, उसका किला इतना मजबूत है, वो सियासी हुक्मरानों के साथ उसका इतना गहरा ताल्लुक है कि वो किसी भी वक्त मेरा तबादला करा सकता है, मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा वो अपने जूनियर से भी डरेगा, उनको ताबेदारी करेगा, जिससे जिससे पुलिस की परफॉर्मेंस पर मनफी असरात मरतब होंगे। और जो पब्लिक सफर करेगी, जब पुलिस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी, पुलिस काम ठीक नहीं कर सकेगी, तो उसमें अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है पब्लिक पर आएगा, क्राइम में इजाफा होगा। हाँ सर और बिल्कुल, मैं सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है। एक तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई आईजी अपॉइंट किया जाए तो कितना टाइम उसको देना चाहिए ताकि वो पूरा अपना पंजाब के सेटअप को समझ सके, पुलिस के सेटअप को समझ सके और उसको ठीक भी कर सके। और सेकेंड क्वेश्चन भी सर प्लीज़ ये लीजिएगा कि खान साहब कहते थे कि इससे पहले जितनी हुकूमतें आई हैं तमाम हुकूमतें पुलिस में पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं, पॉलिटिक्स इंजीनियरिंग पुलिस में होती थी। खान साहब कहते थे इसके बाद बिल्कुल हमारा ताल्लुक कोई पॉलिटिकल इदारों से पॉलिटिकल का कोई ताल्लुक नहीं होगा, सियासतदान अलहदा होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी, चाहे वो पंजाब पुलिस हो। लेकिन सर इतनी स्पीड में तो पिछली हुकूमतों ने भी आईजीज नहीं बदले जितनी स्पीड में ये यहाँ पर बदले जा रहे हैं, तो इसको आप क्या देखते हैं कि पंजाब पुलिस का जो मोराल है वो बरकरार रह सकता है सर? पंजाब पुलिस का मोराल बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है, खासतौर पर इस वाक्य के बाद। चंद सीनियर अफसरों से मेरी बातचीत हुई है जी। और मैंने उन्हें सब मायूसी के आलम में देखा है जी। मैं ये तो नहीं कहता कि पंजाब में तो पुलिस में तो बगावत तो पैदा हो, लेकिन ऑफिसर जो है सख्त मायूस है और वाजह तौर पर कहते हैं कि काम करने का फायदा क्या है अगर उनका कमांडर ही इस तरीके से हटा देते हैं। आपने पूछा टेन्योर कितना होना चाहिए, तो मेरे ख्याल के मुताबिक कम से कम 2 साल तो आईजी को रहना देना चाहिए। और हम देखते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में मुश्ताक सुखेरा साहब जो है वो 2 साल तक उधर रहे, लेकिन थोड़ा सा हम अगर पुलिस में सियासी मुदाखलत की बात करें तो हम पिछली हुकूमत को भी इससे मुबर्रा करार नहीं दे सकते। मैंने जहां तक पुलिस अफसर से पूछताछ करके जो मुझे मालूम हासिल की है उसके मुताबिक पिछली हुकूमत के दौर में इससे ज्यादा मुदाखलत थी, सियासी मुदाखलत इससे ज्यादा थी जी। और इस वक्त लेकिन हम ये समझते हैं कि पिछली हुकूमत का तो कोई ऐसा दावा नहीं था, इमरान खान साहब का ये दावा था, इस हुकूमत का ये दावा था कि पुलिस को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार किया जाएगा, उसके काम में मुदाखलत नहीं की जाएगी, उसमें इस्लाहात लाई जाएगी। लिहाजा इनके दौर में चाहे पिछली हुकूमत की नस्बत कम मुदाखलत हो तो वो मुदाखलत जो है वो इनकी अपने मंशूर के खिलाफ है जिस तरह गाड़ी किया जा रहा है जी। बिल्कुल, और हमारी भी दुआ है कि जिस तरह खान साहब कहते थे बिल्कुल इम्प्लीमेंट भी वैसा करें। अगर आप थोड़ी सी और आपकी ओपिनियन ले लें सर, आपने कल का वाकया देखा होगा मोटरवे पर, पंजाब पुलिस से लेके मोटरवे पुलिस से लेके बाकी एजेंसी से लेके वो सब लोगों की हिफाजत करने में लगे, लेकिन जो मुसलमान हम भाई भाई हैं, अल्लाह ने जो हमारा एक ताल्लुक बनाया आपस में, अगर हम उसी की कदर नहीं करेंगे, और कल जो वाकया मोटरवे पर एक खातून के साथ हुआ उसके बच्चों के सामने, सर मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी लेकिन एक चीज मैं हमारे मीडिया के भाइयों को नहीं पता कि वो मोटरवे नहीं है, वो रिंग रोड है जी। बिल्कुल बिल्कुल, लाहौर के कई मोटरवे पहुंचती है तो ये रिंग रोड का हिस्सा बन जाती है, और रिंग रोड पर सिक्योरिटी और वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल में मोटर पुलिस के जिम्मे नहीं है, बल्कि ये जो पंजाब पुलिस है या लाहौर पुलिस है उसके जिम्मे है, उसमें इसके सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने होते हैं। तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये एक
रिंग रोड, और खास तौर पर वीराने में अगर वो गुजरती है खेतों में जंगलों में, तो इसमें सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए था। और डेफिनेटली गफलत है जिनके भी एरिया लगता है, और चाहे वो थाने का एरिया लगता है जी। या वो जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। और कार्रवाई से छोटे स्तरों तक नहीं रहनी चाहिए जी। कि आप एसएचओ वगैरह के खिलाफ एक्शन ले लें, बल्कि सीनियर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर हम अपने माशरे को किस तरह सिखाएं, अपने माशरे को टीच किस तरह करें, और जो सबसे बड़ा रोल मॉडल हमारा इस्लाम है, अगर हम उसी को पढ़ लें तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंसानियत हमारे में आ जाएगी। तो सर इसको ठीक करने का क्या तरीका है? हम देखें, अब इसमें सोसाइटी में जो गंदगी पैदा हो गई है, सोसाइटी में इसका एक तरीका बन गया है, प्रिंसिपल हो, यंगस्टर्स जो है उनको हम सही तालीमात दें और उन्हें बताएं कि ये कितना बड़ा न सिर्फ दुनिया में ये जुर्म है, बल्कि ये खुदा के नजदीक बहुत बड़ा इसमें अजाब है इस तरह की किसी के साथ जबरदस्ती ज्यादती करना। इसके साथ साथ हमें अपना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जी, उसको दुरुस्त करना होगा जी, ताकि हमें अपने अदालतों को दुरुस्त करना होगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम को बेहतर बनाना होगा जी, हमें फॉरेंसिक जो एविडेंस है उसके मुताबिक तरबियत देनी होगी पुलिस को जी, और फिर ट्रायल के दौरान हमारे प्रोसिक्यूशन दुरुस्त को दुरुस्त काम करना होगा ताकि इस किस्म के दरिंदे जो है वो सजा से बच ना पाए, उन्हें प्रॉपर सजा मिले जी। तो और जब सजा मिलेगी जी जी, और संगीन सजा मिलेगी, तो वही एक सही तरीका कार है जिससे इस दरिंदगी का खात्मा या कमी होने को वाक्य हो सकती है। सर बिल्कुल, आपके ओपिनियन का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ साथ भी थे सर। नाज़रीन बिल्कुल यहाँ पर हमने आपको गुफ्तगू सुनाई ताहिर आलम खान साहब की, जो बहुत सीनियर इंसान है, एक सीनियर सिटीज़न है, एक गौर से समझते गवर्नमेंट के स्टेप्स को, माशरे के स्टेप्स को, क्योंकि वो खुद भी आईजी पंजाब यहाँ पर और आईजी इस्लामाबाद सॉरी वहाँ पर रह चुके हुए हैं। ये इस तरह हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और ये जितने मैटर्स चल रहे हैं वो चाहे पाकिस्तान के मसाइल हैं या पाकिस्तान के वसाइल हैं, इन सब से रिलेटेड गुफ्तगू, इसका नतीजा, इसका कंक्लूजन, और किस तरफ हमारे माशरे को जाना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और हमारे हमें जो ओपिनियन है वन एंड ओनली हमारे फैसल शामी साहब। नाज़रीन हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापसी पर आके यही सारे क्वेश्चन फैसल शामी साहब के आगे रखेंगे और इनसे इंफॉर्मेटिव जो गुफ्तगू है वो इनसे हासिल करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और वापस अपनी गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक।